नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इट्स एम कुमार में। मैं मनोज कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर से हूँ। आज हम हैं लेह सिटी के अंदर और पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर स्नो पीक माउंटेंस दिख रहे होंगे आपको। आज का प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे खारदुंगला होते हुए दिशकित मोनेस्ट्री या दिशकित। अभी टाइम ऑलमोस्ट 7:30 ही हुए हैं लेकिन यहाँ पे धूप काफ़ी तेज हो गई है, तो आज हमें हमारी बाइक्स को जो है चेन लूप करना है। क्लीन तो हमने कल करा लिया था, साथ में पेट्रोल करवाना है। बता रहे हैं कि लेह के अंदर सुबह सुबह पेट्रोल के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है, तो हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा। सामान भी पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, उसको फटाफट जमाते हैं और निकलते हैं यहाँ से और शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लद्दाख का जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है उसके कुछ फोटोज़ इसमें। यहाँ पे लद्दाख के अंदर बहुत से मुकुटे लगाकर और इस तरह से कुछ ट्रेडिशनल डांस किया जाता है। तो जैसा कि कल आपने देखा था कि हम लोगों ने बाइक अपनी वॉश करवा ली थी, अभी इसको ल्यूब करना बाकी है, तो अभी फटाफट ल्यूब करते हैं। और आज जैसा कि हम लोग खारदुंगला जा रहे हैं तो आज टाइम है बाइक पे विशेष फ्लैग्स जो हैं वो लगाने का। तो शुभम ऑलरेडी इंस्टॉल करने लग गया है और मैं अभी पहले ल्यूब कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वो इंस्टॉल करते हैं विशेष फ्लैग। तो यहाँ पे अभी जो अपने विशेष फ्लैग्स थे ये लग चुके हैं। अपनी इच्छा थी लेह से ही लगाएंगे, मतलब मनाली से लगा के नहीं आएंगे। तो अभी फटाफट सामान यहाँ पे लोड करते हैं और निकलते हैं आगे। सबसे ज़्यादा सेक्सी बाइक लगती है वो ये। हर लोगों की अटेंशन इसकी बाइक पे आती है क्योंकि इसकी बाइक पे पीछे टायर बंधा हुआ रहता है, तो हर सब यही सोचते हैं भाई साहब पता नहीं पूरे भारत के टूर पे निकले हुए हैं। और जहाँ कहीं भी रुकते हैं वहाँ कोई ना कोई तो पूछता ज़रूर है कि भाई साहब ये टायर कैरी क्यों कर रहे हो। और बाकी ये जो इसकी मूफली है इसको और ये उसका श्रृंगार है। तो ये होटल है, तो ये जो होटल है खासर है, होटल खासर, इसमें हम रुके थे और इन भैया से मिला देता हूँ। यहाँ इस होटल के अंदर ये राकू भाई है जो जिन्होंने हम जैसे ही यहाँ एंटर कर तब से हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा कोई भाई हो। हमें अंदर घुसते ही इन्होंने तुरंत हमारे मतलब सब कुछ जो होता है ना कम्युनिकेशन, इतना फास्ट कम्युनिकेशन किया और इतना अच्छा कम्युनिकेशन किया, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत ही अच्छी यहाँ की फैसिलिटी है जो होटल खासर है। थैंक यू सर, थैंक यू भाई, है ना। अगली बार जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हाँ, अगर आप लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, पार्किंग भी अच्छी है यहाँ पे और जो रूम सर्विस है वो तो एक्सेलेंट है ही। के जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इनसे आने से पहले इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और अपना जो भी रूम है वहाँ पर बुक करा लीजिएगा। हाँ, पहले करा देना क्योंकि लेह के अंदर अक्सर क्या होता है होटल्स धड़ाधड़ जल्दी से बुक हो जाती हैं और शाम के टाइम जल्दी बुक हो जाती है, इसलिए आप लोग पहले इन्फॉर्म करके पहले बुक करा लेना। ठीक है भाई, निकलते हैं ना। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ऑल सेट, सब कुछ सेट है, बस निकलते हैं। पहला काम जो करेंगे वो करेंगे पेट्रोल फिल कराएंगे, कल वाले जो किलोमीटर हैं उनको मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। बजरंगबली महाराज रक्षा करना और चांदनी साथ देना। तो अभी क्या है, हमने ऊपर नीचे दोनों साइड खारदुंगला के हिसाब से लाइनें डाल रखे हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है यार, लिटरली सही बता रहा हूँ। एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी कि जो शुभम है उसको यहाँ के रास्ते यार बड़े अच्छे से जल्दी से याद हो गए। मुझे तो अभी भी कुछ पता नहीं लग रहा है कि हम आते किधर से हैं, जाते किधर से। ओके, तो यहाँ पे तो भाई साहब पेट्रोल पंप के लिए बहुत ही बड़ी लाइन लगी हुई है, देखते हैं नंबर कब तक आता है।
ओके, अभी यहाँ जो पेट्रोल के प्राइस है वो है 106.83, और अभी मीटर की रीडिंग करूँ तो मैं हो गए 7916। तो अभी हम लोग टैंक फुल कराते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं कितना क्या बढ़ता है। कितना का फुल करना है? 106.83, हमारे से तो सस्ता ही है। पेमेंट कार्ड से? तो यहाँ पे 1000 रुपये का अभी पेट्रोल है और टैंक फुल हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से आगे। तो भाई सैम कुमार निकल चुके हैं, मतलब मैं मनोज कुमार निकल चुका हूँ। अभी जो हाईएस्ट मोटरेबल पास था अभी तक, उसको क्रॉस करने के लिए, हालांकि अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसमें कहते हैं कि उम डिंग ला समथिंग करके कोई पास है लद्दाख के अंदर, जो कि अभी तक वैसे सिविलियंस के लिए शायद ओपन नहीं किया है, लेकिन वो खारदुंगला से भी टॉप पे है। तो मोटरेबल रोड तो वो बन चुकी है, बस सिविलियंस के लिए शायद अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो खारदुंगला जल्दी सिविलियंस की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ऑलमोस्ट अभी लेटेस्ट लिस्ट एक मैंने देखी थी, उसमें खारदुंगला 11वें नंबर पे था। और भाई साहब क्या ही है, जीवन लीला समाप्त करेंगे क्या करेंगे। ये तो जम्मू कश्मीर की गाड़ी है फिर भी ऐसे चला रहे हैं। हम राजस्थान वाले यहाँ आके ऐसे गाड़ी चलाए तब तो समझ में आता है। और इसी गेट से एंटर हुए थे और इसी से अब वापस जा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, गलत रास्ते पे चले गए थे। खारदुंगला 39 किलोमीटर। यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है क्योंकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हमने पास के हिसाब से विंटर लाइनर वगैरह लगा रखे हैं। तो यहाँ लेफ्ट से भाई साहब अभी लेह सिटी का जो नज़ारा आ रहा है ना, काफ़ी शानदार आ रहा है। अभी आपको दिखाते हैं आगे थोड़ा सा चलने के बाद। वाह, आगे क्या चीज़, ये देखो। वाह, यहाँ पे बहुत सारी विशेष फ्लैग्स बांधे हुए हैं, पेड़ हैं इसके अंदर। हम भी प्रे करते हैं भगवान से तीनों की यात्रा मंगलमय हो और जो हाईएस्ट पास है उसको हम क्रॉस करें। यहाँ पे अभी हमें हमारी आरसी चेक करवानी है। और तो यहाँ पे अभी हमारी जो बाइक की आरसी है वो चेक की गई है और आधार कार्ड चेक की गई है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पर्सनल व्हीकल ही लेके आ सकते हो, बाकी जो रेंटेड हैं व्हीकल वो यहाँ के लोकल होंगे तभी आपको परमिट करेंगे, बाकी दूसरे साइड के अगर व्हीकल होंगे तो आपको परमिट नहीं करेंगे। ये सब चेक कराया जाएगा। चेक हो गए हैं, अब हम लोग निकलते हैं आगे के लिए, क्योंकि यहाँ की जो यूनियंस हैं उनमें आपस में शायद J&K और हिमाचल और यहाँ की लेह लद्दाख की यूनियंस हैं, उन्होंने ये रूल बना रखा है। क्योंकि अगर यहाँ पे हर कोई जो रेंटेड बाइक है दूसरे जगह की लेके आएगा तो फिर इन लोगों की जो आमदनी है वो इतनी हो नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग के लिमिटेड सोर्सेज ही होते हैं। इसलिए ये यहाँ की यूनियंस का इनिशिएटिव रहता है और ये चेक करते हैं। तो जैसा कि अभी हम लेह के अंदर 3300 के आसपास थे ऊंचाई पे, और अभी करंटली मैं आपको बताऊं तो हम लोग, एक मिनट मोड क्रॉस कर लेते हैं। जानबूझ के रेस खोली उसने। यहाँ से अभी जो साउथ कुल्लू है वो लगभग 12-13 किलोमीटर के आसपास है। रोड काफ़ी ठीक है, चल रही है, घुमाव वाले पैटर्न चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि
जितने भी ब्लाइंड मोड्स हैं उस पर कार वाले कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गंदी बात है यार। आप पहाड़ पे चला रहे हो, ब्लाइंड मोड है वहाँ पे, आप फ़ौरन देके एटलीस्ट सामने वालों को इन्फॉर्म तो कीजिए कि आप हाँ उस मोड पे हैं। बहुत बहुत ही बुरी बात है यार, इन चीज़ छोटी छोटी चीज़ों के कारण ही एक्सीडेंट होते हैं। हम लोग जैसे कोई ब्लाइंड मोड आता है वहाँ पर, हम फ़ौरन देख के ये प्रेजेंस शो करते हैं कि भाई हम उस मोड़ के दूसरी साइड हैं। अगर आप उस मोड़ के दूसरी साइड हो तो आप ही हॉर्न करके रेस्पॉन्स करो, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोड़ पे घुमा पाएँ। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई भी कार वाला है वो ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। कहूँ तो जो कॉमन सेंस है उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है, जिसके कारण यहाँ पर एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं। बहुत ही गलत बात है यार। जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ पे तो हॉर्न देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अभी देखो साउथ पुल 11 किलोमीटर है, लेकिन जहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है वहाँ एटलीस्ट आप हॉर्न देके चलो, ताकि दूसरों को किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये ट्रैक कोई रेस लगाने का ट्रैक नहीं है, ये ट्रैक कोई मज़े मारने का ट्रैक नहीं है, ये आपको राइडिंग जो एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करता है, और आपको मतलब एक जीवन में यादगार के रूप में ये ट्रैक रहेगा। तो यहाँ पे आके आप लोग रेस क्यों करते हो मुझे समझ नहीं आता। आराम से टाइम से निकलो, स्लो चलो और सेफली पहुँचो। देखो यहाँ पे भी सब जगह ये लिखा हुआ है, फास्ट ड्राइव कुड बी योर लास्ट ड्राइव। तो स्लो स्लो चलो, आराम से चलो, रोड को भी आनंद लो और साइड के नज़ारों के भी आनंद लो धीरे धीरे। एक तो यहाँ पे BRO ने इतना अच्छा काम कर रखा है कि हर मोड़ पे आपको बता रखा है कि मोड़ कैसा है, साइन बोर्ड लगा रखे हैं। ऐसे मुझे और कहीं भी इन पर नहीं मिले कि भाई आपको एक एक मोड़ की पूरी डिटेल आपको साइन बोर्ड पे दे रखी हो, कि किस टाइप का मोड़ आने वाला है, किस टाइप का आगे का जो है रोड की कंडीशन आने वाली है। BRO डूइंग दियर वर्क परफेक्टली, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे जो कि जो BRO की इतनी ज़्यादा मेहनत वाला काम है, उसकी मतलब आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। देखो हर मोड़ के बारे में आपको मतलब मोड़ आने से पहले ही उसके बारे में बताया हुआ है कि वो मोड़ किस लेवल का है। छोटे से छोटा यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है एक एक चीज़। BRO हमेशा ये चाहता है कि आप सेफली अपनी जो राइड है वो कम्प्लीट करें। एकदम से यार यहाँ पे खाई थोड़ी ज़्यादा ही आ गई है, थोड़ा डरावनी सी भी लग रही है रोड मुझे लिटरली लेफ्ट साइड में। थोड़ी सी डरावनी लग रही है यार लेफ्ट साइड में। ओके मेरे आगे अगर गाड़ी चलती रहेगी तो मुझे थोड़ा सा सेफ फील होगा, तो इस गाड़ी के पीछे पीछे ही चलते हैं। साउथ पुल्लू यहाँ से 7 किलोमीटर पर रह गया है। ओ भाई क्या लोकेशन आई है जहाँ पे रुके हैं, एक नंबर एक ही नंबर एक नंबर एक ही नंबर एक ही नंबर, आहा खतरनाक लोकेशन यार।